इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो महाराष्ट्र नागपुर का है, जहां पर रामगिरी महाराज और एकनाथ शिंदे के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पे उतरे हुए हैं, रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी की खबर ही सामने नहीं आ रही है। कई जगह पे FIR दर्ज करवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं, जिसको लेकर जगह जगह से उलमा इकराम है और मुसलमान सड़कों पे उतर कर रामगिरी महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे नाम उसे रुसालत पे, और हजरत मोहम्मद कह रहे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अगर की गई तो हम बताना चाहते हैं कि हमारा सर उनका निशावर है, हमारी जान उनका निशावर है। सवाल ये है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, कि इतने FIR हो गए हैं फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये सुनिए जरा कि इम्तियाज जलील क्या कह रहे हैं। नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह के बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि जब तक उनकी सरकार है साधु संतों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है, मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सुनिए जरा कि इसको लेकर वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है और वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे दरअसल असल वजह क्या है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। हमने ऋषि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए, सिर्फ FIR से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने, ये वारिस पठान थे, वारिस पठान ने क्या कुछ कहा इस मामले में आपने सुना। अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये सब कुछ आपको क्यों देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, जल्द ही चुनाव होने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है और जो सर्वे सामने आ रही है उसमें BJP और उसके गठबंधन पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर MBA को ज्यादा सीट मिल रही है, महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है ये हिंदू मुस्लिम किए बगैर जीतना वहां पर नामुमकिन है, इसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पहले आपने देखा कि मस्जिद में क्या कुछ हुआ, उसके बाद अब ऐसे बयान आपको सुनने को मिल रहे हैं जहां पर निशाना सिर्फ मुसलमान बन रहा है। News 24 की ये खबर देखिए, सर्वे जो आया है उसमें महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीट मिल रही है, यानी कि चुनाव होता है तो उसमें महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीट मिलने की संभावना है, ये सर्वे किया गया है। और आप समझ गए होंगे कि दरअसल ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, क्यों वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस वीडियो से। फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।